नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण कुमार जैन पी एम क्लासेस एक सोपान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपके लिए महाकवि माघ विरचित जो सुषपाल वध महाकाव्य है उससे प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों यह मैंने संपूर्ण सुषपाल वध से प्रश्नों का संग्रहण किया है इसके बाद मैं आपके लिए सुषपाल वध प्रथम स्वर्ग के वीडियो भी लाऊँगा जो सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सुषपाल वध का प्रथम स्वर्ग तो उस संबंधी वीडियो में अगली वीडियो लाऊंगा अभी मैंने इस सुषपाल पूरे सुषपाल वध महाकाव्य से प्रश्नों का संग्रहण किया है दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियो की सूचना आपको मिल सके और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें देखते हैं दोस्तों सुषपाल वध संबंधी प्रश्नों को पहला प्रश्न है शिषपाल वध की रचयता कौन है तो शिषपाल वध के रचयता है महाकवि माघ माघ की उपाधि क्या है तो माघ की उपाधि है घंटा माघ के प्राप्रतामह का नाम क्या है तो माघ के प्राप्रतामह का नाम है सुप्रभ राजा बर्मलात के दीवान व प्रधानमंत्री थे राजा बर्मलात एक गुजरा गुर्जर प्रदेश में हुए हैं तो इस इनके यह प्रधानमंत्री और दीवान थे सुप्रभ देव के पुत्र का नाम क्या था तो इनके पुत्र का नाम था दत्तक सर्वाश्रय इनकी उपाधि थी दत्तक के पुत्र का नाम क्या है तो दत्तक के पुत्र हुए माघ माघ किसके पूजक थे तो माघ सूर्य के पूजक थे माघ की मृत्यु कैसे हुई तो पादसोत नामक रोग से माघ की मृत्यु हुई थी माघ का निवास स्थान क्या है तो श्रीमाल या भिन्नमाल नगर में इनका जन्म हुआ था वर्तमान में राजस्थान की जोधपुर प्रमंडल के जालोर जनपद में यह भिन्नमाल या भीनमाल स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माघ का समय क्या है तो माघ का समय है छह सौ पचहत्तर ईस्वी लगभग सातवीं शताब्दी में माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्ग हैं बीस सर्ग और सोलह सौ पचास पद दोस्तों इसमें एक बात और देखने योग्य कि माघ की सिर्फ एकमात्र कृति है शिशुपाल वध सुषपाल वध का प्रधान रस क्या है तो उसका आ... सुषपाल वध का प्रधान रस है हैीर रस माघ ने सुषपाल वध में किस रीति का प्रयोग किया तो यहां पर इन्होंने प्रयोग किया है गौड़ी रीति का गौड़ी रीति में लिखा हुआ है यह माघ का प्रिय छंद कौन सा है तो माघ का प्रिय छंद है मालिनी छंद मालिनी छंद इनको बहुत प्रिय था सुषपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है तो इनका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत के सभा पर्व के अध्याय तेतीस से पैंतालीस तक अर्थात यह महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से तैतीस से पैंतालीस अध्याय में से यह लिया गया है और श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसके दसवें स्कंद में इकहत्तर से पचहत्तरवें अध्याय तक यह सुषपाल वध उद्धृत है, उद्ध है यहाँ से इसका उपजीव है सुषपाल वध के नायक कौन है तो सुषपालव के नायक हैं श्री कृष्ण सुषपाल वध के प्रतिनायक कौन है तो प्रतिनायक मतलब होता है खलनायक या बिलन तो बिलन है यहाँ शिशुपाल शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी तो वह है सर्वंकसा टीका सर्वंकसा टीका दोस्तों यह क्वेश्चन है कई पेपरों में यह पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें यह शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी तो है तो वह लिखी है सर्वंकसा टीका शिशुपाल वध पर बल्लभ देव ने कौन सी टीका लिखी है तो उन्होंने लिखी है संदेह बिस टीका सं... संदेह बिस नामक टीका इन्होंने लिखी है बल्लभ देव ने शिशुपाल वध पर भारत मल्लिक ने कौन सी टीका लिखी तो सुबोधा नामक टीका इन्होंने लिखी है और शिशुपाल वध पर ही दिनकर मिश्र ने कौन सी टीका लिखी है तो इनकी टीका का नाम है सुबोधिनी नामक टीका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिशुपाल वध में किसका वर्णन है तो शिशुपाल वध में वर्णन है युधिष्ठिर के यज्ञ में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन युधिष्टिर का जो राजस्वी यज्ञ होता है इसमें श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं सुषपाल वधम का समास विग्रह क्या है तो शिशुपाल शिषपाल वधा यस्मिन काव्य शिशुपाल वधम व्यधिकरण बहुब्री समास यहाँ पर है भारवी एवं माघ के ग्रंथों में क्या समानता है तो दोस्तों यह भी ध्यान रखने योग्य है कि भारवी और माघ में एकदम प्रतिद्वंदिता चली है इन्होंने इन एक से एक बढ़कर काव्य लिखना चाहा है तो भारवी थोड़े इनसे माघ से पहले हुए थे तो भारवी ने पहला पहले अपना एक रात लिख दिया था तो फिर माघ ने उनसे भी बढ़कर शिशुपाल पद लिख दिया तो इस प्रकार दोनों में प्रतिद्वंदिता चली है तो भारवी व माघ दोनों ने महाभारत से ही अपने ग्रंथों के कथानक लिए हैं यह इनके ग्रंथों की समानता है श्री शब्दों से ही काव्यों का आरंभ किया है श्री शब्द से ही काव्य का आरंभ किया है तथा संवाद से प्रथम सर्ग का प्रवर्तन किया है संवाद से मतलब जैसे क्रातार्जुनीय में द्रौपदी और अर्जुन का और युधिष्ठिर का संवाद द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद है अर्जुन का नहीं सॉरी अर्जुन बोल दिया मैंने युधिष्ठिर का द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद इसमें है और इसमें देखें हम माघ के शिशुपाल वध में तो इसमें नारद का और श्री कृष्ण का संवाद है तो इस प्रकार संवाद से सर्ग प्रथम सर्ग का प्रवर्तन दोनों ने किया है सुषपाल वध काव्य के प्रारंभ एवं प्रत्येक सर्ग के अंत में किस शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह है श्री शब्द का प्रयोग शिषपाल काव्य के प्रारंभ अर्थात मंगलाचरण में उन्होंने श्री शब्द का प्रयोग किया है और प्रत्येक सर्ग के अंत में अंतिम श्लोक में श्री शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया है शिष्पाल व कौन सा महाकाव्य कहलाता है तो श्रेयंत महाकाव्य इसी कारण से श्री शब्द की यूज करने के कारण से दोस्तों यह श्रेयंत महाकाव्य कहलाता है और क्रातार्जुनीय में लक्ष्मी शब्द प्रत्येक सर्ग के अंत में लिखा हुआ है इसी लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहलाता है और जो न्यस्य चरित है उसमें आनंद शब्द का प्रयोग किया है इसलिए आनंदांत महाकाव्य कहलाता है दोस्तों यह याद रखने योगे तीनों महाकाव्य बृहत्री में आते हैं शिशुपाल वध का मंगलाचरण किस कोटि का है तो वह वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण माघ को घंटा माघ की उपाधि किस पद से मिली तो वह है उदयति बितोर्ध रश्मि रज्जा बहम रुचि हिमधामनी चास्तम बहति ग्रीरयम विलंबी घंटा द्वय परिवारित बारणेन्द्र लीलाम यह जो है यह श्लोक इस श्लोक में इन्होंने जो आ, कल्पना की है कि सुबह का समय में जब चंद्रमा एक और अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरा जो सूर्य है वह उदय उदित हो रहा है इस प्रकार दोनों जब पर्वत के बीच में आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथी के दोनों ओर घंटियाँ लटकी हों घंटा लटके हों बड़े बड़े इस प्रकार सोने और चांदी के एक स्वर्ण का सूर्य और चांदी का चंद्रमा तो इस प्रकार सोने के घंटा लटके हों इसलिए इनकी उपाधि घंटा रख दी गई तो यह घंटा माघ के नाम से प्रसिद्ध है माघ ने राजनीति की तुलना किससे की है तो वह की है शब्द विद्या से शब्द राजनीति रपसपसा इस प्रकार कहा है माघ की प्रशस्ति में प्रसिद्ध सूक्तियां देखते हैं दोस्तों माघ की प्रशस्ति में लिखी गई विभिन्न कवियों द्वारा सूक्तियां नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते अर्थात नौ सर्ग में जितने शब्दों का यूज किया है उसके बाद फिर कोई नया शब्द नहीं आता मतलब सभी शब्दों का यूज उन्होंने नौ सर्ग में कर दिया है नौ जो शुरुआत शुरू के नौ सर्ग हैं इनमें सभी शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है माघे मेघे बया माघे मतलब माघ का जो काव्य है शिशुपाल और मेघ मेघ मतलब मेघदूत इनमें अपनी उम्र भी चली जाएगी तो पूरा नहीं हो पाएगा सही तरीके से हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे इसलिए माघे मेघे गतम बया इस प्रकार कहा है नेक्स्ट है उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव दंडीन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा अर्थात जो कालिदास की उपमा है भारवी का अर्थगौरव है और दंडी का पदलालित्य है लेकिन माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं कालिदास अर्थगौरव और पदलालित्य काव्यसुमाघा कवि कालिदास और सूक्ति कही है काव्यसु माघा काव्यों में यदि कोई काव्यों में प्रसिद्ध है काव्य लिखने में कोई प्रसिद्ध तो आए हैं माघ और कवियों में कोई प्रसिद्ध तो आए हैं कालिदास कविशु कालिदास काव्यसु माघा इसके बाद कहा है तावद भा भारवे भाति यावन नोदया यह इस यह सूक्ति बताती है कि भारवी और माघ में प्रतिद्वंदिता चलती थी एक दूसरे के काव्य के प्रति क्या कहा है देखते हैं तावद भा भारवे भाती यावन माघस नोदया जब तक भारवी की प्रतिभा भा, मतलब चमक रही तब कब तक जब तक नोदय मतलब माघ का उदय जब तक नहीं हुआ तब तक भारवी बहुत प्रसिद्ध रहे लेकिन जब माघ का शिशुपाल वध लिखा गया तो भारवी की जो प्रतिभा ए, प्रतिभा नहीं कहेंगे इसको चमक थी वो या फिर इनकी जो प्रशस्ति थी वह कम हो गई नेक्स्ट सूक्ति है मुरारी पद चिंता चेत, तदा माघे रतिम कुरु यदि मुरारी इसके दो अर्थ निक, निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर श्रेष अलंकार भी है मुरारी मुरारी पद चिंता चेत, अर्थात मुरारी का जो अनर्ग राघव ग्रंथ है यदि दोस्तों उसको पढ़ना है उसको समझना है तो तदा माघे रतिम कुरु तो फिर माघ में रति करो अर्थात माघ के ग्रंथ जो शिषपाल पद है पहले उसको पढ़ो तभी यह अनर्घ राघव समझ में आएगा और इसका दूसरा अर्थ जो निकलता है मुरारी अर्थात हरी हरी पद की यदि चिंता है यदि हरि पद को आप प्राप्त करना चाहते हो अर्थात भगवान बनना चाहते हो तदा माँ अघे इसका विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा माँ अघे अघ मतलब होता है पाप माँ मतलब नहीं तो पाप में रति नहीं करो अर्थात पापों को मत करो इस प्रकार दो अर्थ निकलते हैं श्लेष अलंकार यहाँ पर है नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों सुषपाल वध की स्वर्गानुसार संक्षिप्त कथा को कि किस सर्ग में किस कथा का वर्णन है दोस्तों इसमें से भी बहुत प्रश्न बनते हैं कि देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन कौन से सर्ग में हुआ इस प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों हमने प्रश्न भी आगे बनाए हुए हैं तो उन प्रश्नों को मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा आप इससे प्रश्न बना सकते हैं जो यहाँ पर मैंने सर्ग की कथा लिखी हुई है पहले सर्ग में वर्णन है देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के पदार्थ तैयार करना इस प्रकार यह कथा संक्षिप्त कथा है सर्ग प्रथम की दूसरे सर्ग की जो संक्षिप्त कथा है कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा बलराम की शिशुपाल के पदार्थ तुरंत अभियान की सलाह है नीतिज्ञ उद्धव का इस विषय में अधिक शीघ्रता ना करके धिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने का परामर्श जो बलराम थे वह शिशुपाल को तुरंत बद के लिए कहते हैं लेकिन जो नीतिज्ञ उद्धव थे श्री कृष्ण के मित्र उद्धव थे उन कहा कि अभी शीघ्रता मत करिए जब युद्धेट का राजसूय यज्ञ होगा तो उसमें सुषपाल भी आएगा वहां अपन उनको देख लेंगे सर्ग तीन में जो वर्णन है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान द्वारका व सेना व समुद्र का वर्णन यह सब वर्णन इसमें है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्र इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान का वर्णन है द्वारका नगरी का वर्णन है सेना व समुद्र का वर्णन इसमें है चौथे सर्ग में रवतक पर्वत का वर्णन है और पाँचवीं सर्ग में रवितक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना का वर्णन है छठवीं सर्ग में छह ऋतुओं का वर्णन है सर्ग सात में वन विहार वर्णन है सर्ग आठ में क्रीड़ा का वर्णन है सर्ग नौ में सायंकाल चंद्रोदय श्रृंगार विधान आदि का वर्णन है सर्ग दस में गोष्ठी वर्णन और रात्रि क्रीड़ा वर्णन है ग्यारहवीं सर्ग में प्रभात वर्णन है अर्थात सुबह का वर्णन है प्रातः काल का वर्णन है सर्ग बारह में श्री कृष्ण के पुनः स्थान और यमुना नदी का वर्णन है सर्ग तेरह में कृष्ण श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन श्री कृष्ण का नगर प्रवेश दर्शक नारियों की बिलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन इसमें है सर्ग चौदह में युधिष्ठिर द्वारा राजसुई यज्ञ का प्रस्ताव श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति सर्ग पंद्रह में शिशुपाल का क्रोध होना और उसके पक्ष के राजाओं का युद्धार्थ तैयार होना सर्ग में सुषपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभार्थक वाक्यों का प्रयोग की द्वारा उसका उत्तर और पुनः दूत का उत्तर और उसके द्वारा सुषपाल के पराक्रम का वर्णन है सर्ग सत्रह में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रोध होना श्री कृष्ण की सेना की तैयारी और उसका प्रस्थान का वर्णन सर्ग अठारह में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है सर्ग 19 में युक्त श्लोकों से विचित्र बिहू रचना एवं युद्ध का वर्णन है और सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र दिव्यास्त्र युद्ध बाघ युद्ध आदि का वर्णन सुषपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से सुषपाल का सरस छेदन का वर्णन इसमें है इस प्रकार दोस्तों बीस सर्गों की कथा का संक्षिप्त वर्णन हमने आपके लिए बताया इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं इनको देखते हैं यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है तो यमुना नदी का वर्णन है बारहवीं सर्ग में रविवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है तो चौथे सर्ग में वन बन विहार वर्णन किस सर्ग में है तो सातवें सर्ग में प्रभात वर्णन किस सर्ग में है ग्यारहवीं सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजस्वी यज्ञ का प्रस्ताव किस सर्ग में है चौदवे सर्ग में इस प्रकार दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते तो आप और भी क्वेश्चन इससे जो मैंने ऊपर की संक्षिप्त कथा बताई है ना पुण्यकृता मनीषणा यह जो सूक्ति है यह प्रमुख सूक्ति है इसकी महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर प्रेम से आना नहीं चाहते अर्थात जो पुण्यात्मा लोग नहीं है पापात्मा लोग हैं उनके घर प्रेम से नहीं आना चाहते यहां पर नारद और श्री कृष्ण जो हैं तो नारद आए थे श्री कृष्ण के घर पर तो श्री कृष्ण के घर पर नारद प्रेम से आए थे क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वह पुण्यात्मा थे और पुण्यात्मा के घर पर महात्मा लोग प्रेम से जाते हैं और अपुण्यात्माओं के घर प्रेम से नहीं जाते हैं श्रेयसी कैन तप्य तो यह सूक्ति इसका अर्थ है मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है अर्थात कोई तृप्त नहीं होता सभी मंगलमय कार्य को हमेशा करना चाहते हैं सदाभि धना ही मानिना यह जो सूक्ति है यह भी सिस्पालवद की प्रथम सर्ग से है मानी मनस्वी लोग का एकमात्र धन स्वाभिमान ही होता है ज्ञाता ज्ञात सारोपी खलवे कहा संदिग्धे कार्य तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में युक्त रहता है नेक्स्ट सूक्ति है प्रकृत्या मितभाषिना दोस्तों यह इंपोर्टेंट सूक्ति है ये कई पेपरों में पूछी जा चुकी है इसलिए इसको याद रखें महियांसा प्रकृत्या मितभाषिना अर्थात जो महान लोग होते हैं वह स्वभाव से कैसे होते हैं

नान्यस्य मान भ्रता सहनते अर्थात मनुष्य लोग देशरे लग गया दोस्तों इधर दूसरे की है दूसरे की गंध को भी नहीं सहते मनुष्य लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते शास्त्र ही निश्चित धियाम क्वन असिद्ध में सिद्धि में निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल नहीं होता कि सभी जगह शास्त्र सफल हो जाए इसलिए निश्चित बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका शास्त्र सर्वत्र सफल नहीं होता मंदोपी नाम न ना महानव साध्या। मंदोपी नाम न ना महानव साध्या अर्थात बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो उससे बलपूर्वक बस में नहीं किया जा सकता बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो परंतु पर, उसे बलपूर्वक बस में करना चाहे तो नहीं कर सकते समय एव करोति ती यह दोस्तों यह सूक्ति बहुत इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यह कई पेपरों में आई है और यह एक समय के प्रभाव को बताने वाली सूक्ति है कि समय के प्रभाव से ही व्यक्ति बलवान और निर्बल होता है समय आने पर कभी ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति बलवान हो जाता है और कभी ऐसा समय आता है कि व्यक्ति निर्बल हो जाता है परिभवो अरिभवो ही दुस्सहा सुदुस्सहा अर्थात शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दुस्सह होती है है महापुरुषों की सेवा का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता सूक्ति है क्षणे क्षण युपैती तदेव रूपम रमणीयताया यह भी सूक्ति इंपोर्टेंट है दोस्तों जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है अर्थात जब भी हम उसको देखें सुंदर रूप को तो कुछ नया लगे कि इसमें नया ए मिला हर बार देखने से कुछ नया प्रतीत हो तभी वह सुंदरता का स्वरूप है वही सुंदरता का स्वरूप है छत सकल विपक्षस तेज सा अर्थात सभी विपक्षियों को नष्ट करना तेज का स्वभाव ही है दोस्तों इस प्रकार मैंने ये आपको सिस्पालवद के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को बताया दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मित्रों को शेयर और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से, से नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आपको मिल सके नमस्कार